हेलो एवरीवन, मैं सरस्वती संधु आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नेम है रोटेशनल सिमेट्री। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो रोटेशनल सिमेट्री एक तरह की सिमेट्री होती है, और सिमेट्री बेसिकली वो लाइन होती है जो कि किसी चीज़ को बिल्कुल इक्वल कलर, और अगर हम लिक्विड की बात करें तो बिल्कुल शेप, कलर और डिफरेंस उसमें बिल्कुल अलग अलग कर देती है। और रोटेशनल सिमेट्री यानी कि वही सिमेट्री जो लाइन है जब हम उसे रोटेट करते हैं एंगल्स पे तो वो ओरिजिनल रहती है या नहीं रहती, तो आज हम जानेंगे, सॉलिड शेप्स के बारे में देखेंगे। सो बेसिकली आपको इस पूरे एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ इस तरह का, सबसे पहले एक अपना चार्ट बनाना होगा जिस पे आप एक तरफ लिखेंगे सीरियल नंबर, शेप, एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। सो नाउ चलिए अब लेते हैं हमारी फर्स्ट शेप। सो हमारी फर्स्ट शेप है सर्कल। अब हम देखते हैं सर्कल को जब हम रोटेट करते हैं तो उसकी सिमेट्री क्या बनती है। सो अगर हम इसे 10 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो उसकी वैसी की वैसी शेप ही है, और अगर हम इसे 20 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं तो फिर भी वैसी उसकी शेप रह रही है। तो ऐसे ही अगर हम सर्कल के बारे में अब देखें तो यहाँ पर हम सर्कल के बारे में इसकी एंगल ऑफ रोटेशन यानी सबसे छोटी एंगल लिखनी होती है, तो इसकी तो बहुत सारी एंगल्स हैं, यानी 10 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 140 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनी एंगल ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज। इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन बहुत इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि जब इसके एंगल ऑफ रोटेशन ही बहुत सारे हो सकते हैं तो फिर इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी इनफाइनाइट होंगे। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट शेप। हमारी सेकंड शेप है पेंटागॉन। पेंटागॉन के 5 कॉर्नर्स होते हैं, और इसके साथ अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो जो भी पैरेलल क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं यानी उनको अगर हम पूरे सर्कल का जो डिग्री होता है 360 डिग्री से उनके कॉर्नर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उनके हमें एंगल ऑफ रोटेशन के साथ ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी पता चल जाएंगे। बेसिकली ज़्यादातर के ऑर्डर ऑफ रोटेशन उनके कॉर्नर्स ही होते हैं, जैसे पेंटागॉन के 5 कॉर्नर्स हैं तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5 होंगे, और अगर हम 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 72 डिग्री मिलेगा। यानी जब हम इस पेंटागॉन को 72 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो हमें वैसे ही उसकी ओरिजिनल शेप मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसको 72 डिग्री पर रोटेट करूँगी तो मुझे वैसी ही शेप मिल जाएगी। सो हमारी थर्ड शेप है रोम्बस। रोम्बस को हम काजू कतली की शेप भी कह सकते हैं, क्योंकि काजू कतली को रोम्बस शेप में ही काटा जाता है, और अगर हम इसे रोटेट करके देखें तो सबसे छोटा नंबर लेना होता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले रही हूँ, जैसे 90 डिग्री ले लिया मैंने। सो आप देख रहे हैं जैसे रोम्बस पहले यहाँ पे था, रोम्बस की शेप यहाँ पे 0 डिग्री पे थी, जब हमने उसे 90 डिग्री पे रोटेट किया तो उसकी वैसी शेप नहीं बनी जैसे कि हमारे 0 डिग्री पे थी। अब हम इसे 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, सो आप देख रहे हैं वैसी शेप बनी जैसी हमारी 0 डिग्री पे थी, यानी जैसी हमारी शेप 0 डिग्री पे थी वैसी 180 डिग्री पे हमारी शेप बन रही है। सो इसे हम फिर से 270 डिग्री पर रोटेट करते हैं, सो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल शेप नहीं बन रही है हमारी जो 180 डिग्री पे थी, ये 90 डिग्री वाली शेप बन रही है, और 90 डिग्री वाली शेप भी ओरिजिनल शेप से मैच नहीं करती थी। और जब हम इसे अपना पूरा कंप्लीट कर सर्कल करके आएंगे यानी फिर से 0 डिग्री यानी 360 का वो सर्कल कर लेंगे तो इसकी शेप तो ओरिजिनल आएगी ही। सो यहाँ पर हम रोम्बस के लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन, सबसे छोटा एंगल लेना होता है, सबसे छोटा एंगल था इसका 180 डिग्री, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा, एक तो 180 डिग्री पे, दूसरा 360 डिग्री इट्स ओन पे। सो नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट शेप। सो हमारी फोर्थ शेप है पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम को अगर हम 0 डिग्री से रोटेट करें 90 डिग्री पर, सो आप देख रहे हैं जब हमने इसे 90 डिग्री पर रोटेट किया तो उसकी शेप वैसी नहीं बन रही है, और जब हम इसे 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो इसकी शेप इसकी ओरिजिनल शेप से मैच कर रही है।
तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम के लिए लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन सबसे छोटा लेना होता है, इसीलिए 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री सबसे छोटा एंगल है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 होगा। अगर हम 360 डिग्री को 2 से डिवाइड करें तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट शेप। हमारी नेक्स्ट शेप है फिफ्थ शेप ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम अगर हम 0 डिग्री से लें और उसे 90 डिग्री पर रोटेट करें, सो आप देख रहे हैं इसकी वैसी शेप नहीं बन रही है जैसी ओरिजिनल थी। जब हमने इसे 180 डिग्री पर रोटेट किया तब भी इसकी वैसी शेप नहीं बन रही है, और जब हमने इसे 270 डिग्री पर रोटेट किया तब भी इसकी वैसी शेप नहीं बन रही है, और लास्टली जब हमने इसे इसकी ओरिजिनल शेप 360 डिग्री पर रोटेट किया, तो यानी पूरा सर्कल करने के बाद जब हम वापस जीरो पे आए तो इसकी शेप जो है वो बन रही है। सो यहाँ पर अब हम ट्रेपीजियम के लिए लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन हमारा होगा 360 डिग्री, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है रोटेशन का, ना ही तो वो 90 डिग्री पे हुआ, ना ही 180 डिग्री, ना ही 270 डिग्री, और इसका इसीलिए 360 डिग्री हुआ। और 360 के लिए हम 1 यूज़ करते हैं, क्योंकि 360 को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। हमारी सिक्स्थ शेप है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी के तीनों साइड्स एक जैसी होती हैं। सो अगर हम 0 डिग्री से स्टार्ट करें और अगर हम 360 को इसके 3 कॉर्नर है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 120 डिग्री मिलेगा। सो अगर हम इसे 120 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं हमें इसका फिर से वही एंगल मिल रहा है। जब हम 230 डिग्री पर करेंगे तब भी वैसा ही एंगल मिलेगा, और ओरिजिनल एंगल तो उसका 360 पर हमें वैसा मिलना ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए 120 डिग्री और 3 लिखेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 3 हुआ। सो हमारी नेक्स्ट सेवन्थ शेप है आइसोसेलिस ट्रायंगल, जिसके कि जो टू लाइंस होती हैं वो एक जैसी होती हैं सिमिलर, और उसकी थर्ड लाइन सिमिलर नहीं होती। सो अगर हम इसे 120 डिग्री पर रोटेट करते हैं, सो आप देख रहे हैं हमें इसकी ओरिजिनल शेप नहीं मिल रही है, और जब हमने इसे 230 डिग्री पर रोटेट किया तब भी इसकी वैसी शेप हमें नहीं मिल रही है, लेकिन जब हमने इसकी ओरिजिनल शेप 360 डिग्री पर रोटेट किया तो हमें उसकी वापस ओरिजिनल शेप मिल रही है। सो यहाँ पर अगर हम आइसोसेलिस ट्रायंगल का देखें तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन हम लिखेंगे 360 डिग्री, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 होगा ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज। सो हमारी एट्थ शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बेसिकली अपोजिट साइड्स जो सिमिलर होती हैं, ये दोनों साइड सिमिलर होंगी और ये दोनों साइड सिमिलर होंगी। अगर हम इसे 0 डिग्री से 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, सो आप देख रहे हैं हमें वैसा बिल्कुल ओरिजिनल शेप इसकी वैसी रेक्टेंगल की नहीं मिल रही। जब हम इसे 180 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं तो हमें इसकी वैसी शेप मिल रही है। जब हम इसे 270 डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं तो हमें इसकी वैसी ओरिजिनल शेप नहीं मिल रही है, और जब हम इसे 360 डिग्री पर फाइनली रोटेट कर रहे हैं तो हमें इसकी वैसी शेप मिल रही है। सो रेक्टेंगल के लिए अब हम एंगल ऑफ रोटेशन सबसे छोटा लिखेंगे 180 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 लिखेंगे। सो हमारी नेक्स्ट नाइन्थ शेप है स्क्वेयर। स्क्वेयर की जैसे कि बेसिकली सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर हम इसे 0 डिग्री से रोटेट करें 90 डिग्री पर, तो आप देख रहे हैं 90 डिग्री पर इसकी वैसी शेप हमें मिल रही है, और अगर हम इसे फिर से रोटेट करते हैं 180 डिग्री पर तो हमें इसकी वैसी एक्चुअल शेप मिल रही है। अगर हम इसे 270 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो हमें इसकी वैसी एक्चुअल शेप मिल रही है, और जब हम इसे फिर से इसकी 360 डिग्री पूरा करके रोटेट करके आते हैं तो इसकी वैसी शेप हमें मिल रही है। सो यहाँ पर हम स्क्वायर के लिए लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन सबसे छोटा लेना होता है, इसीलिए 90 डिग्री, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसके लिए लेंगे हम 4। हमारी टेंथ और लास्ट शेप है हेक्सागन। हेक्सागन यानी 360 डिग्री को अगर हम इसके 6 कॉर्नर से, हेक्सागन के 6 कॉर्नर होते हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो हमें 60 डिग्री मिलता है। अब हम इसे 60 डिग्री पर रोटेट करके देखते हैं तो हमें इसकी ओरिजिनल शेप मिल रही है।
सो ऐसे ही अगर हम इसे 60-60 डिग्री पर रोटेट करते जाएंगे सो हमें इसकी ओरिजिनल शेप जो है वो मिलती जाएगी। इसके लिए हम लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पर 60 डिग्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये 6 रोटेशंस में वापस आ जाएगा अपनी ओरिजिनल शेप पे। सो इसीलिए इसकी हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6। सो आज हमने जाना रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको मेरे नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।